हे गाइस वेलकम बैक। और अचार कैसे डालें, ये कैरी है, राजस्थानी कैरी हैं और इनका अचार कैसे डालें। सो सिंपली सी बात है कि भैया यार आपने इनको मीठा कर लेना, पहले तो कुछ दिन लस्सी वगैरह के अंदर भिगो के रखने, तो मीठे कर लेने इनको। एंड मार्केट से आपको ये मीठे मिल भी जाते हैं और या फिर आप ताज़ा जैसे होते हैं पेड़ से वो भी मिल जाते हैं, तो आप दोनों ले आके इनको मीठे कर सकते हो घर पे। एंड उसके बाद सिंपली आपको क्या करना, मसाला तैयार करना होगा अचार के अंदर। जो भी डालते हैं वो नॉर्मली मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया मसाला, और तेल गर्म मैंने पहले कर लिया था और नीचे उतार लिया गैस से। उसके बाद इसको सारा सारा मसाला इसके अंदर, हल्दी मिर्च, हल्दी धनिया, सब कुछ जो भी इलाई लौंग वगैरह जो डालते हैं, सो यहाँ पे मिक्सअप कर लेना इसको सारे को अच्छी तरीके से। एंड यहाँ पे इसको राउंड अप करते रहते हैं एंड इसको आपको सारे को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना यार मेरे भाई। और ये राजस्थानी कैरी हैं, बाकी इनको पता नहीं यार क्या क्या कहते हैं, राजस्थानी में तो इनको कैरी ही कहते हैं। और बड़े महंगे हैं वैसे, 200 रुपये किलो में राजस्थान में जाओगे तो आपको 200 रुपये किलो मिलेंगे। और देसी अचार है, काफ़ी टेस्टी भी बनता है। तो अब क्या करना है, इस जो हमने अचार हमारा उसको इसके अंदर मिक्स कर लेना है, कैरियों को मिक्स कर लेना है, सारों को मिक्स कर लेते हैं हम अच्छी तरीके से। पहले तो मसाले को मिक्स करना है, तो तेल थोड़ा कम है तो तेल हम बाद में डाल देंगे, पहले जो कैरी हैं उनको मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर अच्छे ढंग से। और ये वैसे मम्मी बनाने वाली थी, बट मम्मी कहते भी मेरे हाथ का रहता नहीं तो तू बना, तो मैंने कहा चलो साथ साथ में वीडियो भी शूट कर लेते हैं। और आप देख सकते हो वैसे काफ़ी अच्छे ढंग से मिक्स हो गया ये। और इसको अच्छे से मिक्स करके एक प्लास्टिक के डब्बे बॉक्स के अंदर डाल के छोड़ दो 3-4 दिन के लिए, और ऊपर से तेल डाल देना। अगर आपको लगा भी कम है तेल इसके अंदर, तो इसके अंदर कम है, मेरे को ऊपर से वो डालना पड़ेगा, मैंने गर्म कम किया था। तो यहाँ पे मैं इसको डब्बे के अंदर डाल लेता हूँ। तो आप क्या करना है, अगर आपको कम लगे तो आप और डाल देना, और इसके हिसाब से आपको मसाला तैयार करना भी कितने के आपके पास कैरे हैं। ये मेरे पास लगभग कोई आधा किलो कैरिए थे, तो आधे किलो के कैरिए के हिसाब से मैंने मसाला तैयार किया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यार, बस सिंपल सा वे है, कोई ज़्यादा कोई काम नहीं है। वैसे तो इसको 5-6 दिन रखे, कैरियों को मीठा कर लो और बाद में मसाला तैयार करके बॉक्स के अंदर डाल के मिक्सअप करके, और बस आपका कैरियों का अचार हो जाएगा रेडी। तो ये सारा के सारा कैरिया मैं इसके अंदर डाल लेता हूँ फटाफट से। सो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, और ब्लॉगिंग चैनल है, काफ़ी कुछ नया देखने को मिलता रहेगा।